पूर्वक होगा वो ऐसे ले जाएगा, जो समझदार होगा वो ऐसे लेके जाएगा। ये देश में काम करने के लिए आओ, ये कभी ट्रॉली उठा के घूम रहा है, कभी पाना पेचकस लेके चल रहा है, कभी ये कुछ कर रहा है, हैं? इसमें टायर लगा हुआ है भाई, क्यों देश का मजाक बना रहे हो? 20 साल बड़ा है आपसे राहुल गांधी, कितना? 20 साल। तो युवा आप हुए, राहुल गांधी हुआ? होना तो मुझे चाहिए, बट लोग उनको कह रहे हैं होना मुझे चाहिए। अंकल जी 6 साल बाद तो केजरीवाल पेंशन देना शुरू कर देगा उसको 60 साल वाली। मैं, मेरे को पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि सही चीज का इस्तेमाल सही जगह किया जाता है। तो ये ट्रॉली को घसीट के लेके जाऊंगा। क्या सर पे रख के दिखाओ, हट राहुल गांधी। चलो भाई आनंद बिहार, राहुल गांधी भी बैग लेके सर पे उठा के जा रहे हैं, कह रहे हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं, आज आप बैग के साथ दिख रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, सत श्री अकाल और नमस्कार। ये बैग के नीचे टायर लगे हैं क्या? हाँ। अंकल जी एक गल दसो, ये जो बैग है, हाँ, इस बैग में ट्रॉली लगी है, ठीक है, राहुल गांधी इसको सर पे लेके जा रहा है, ठीक है। अगर आप कभी घूमने जाओ, हाँ जी, तो इसको आप सर पे लेके जाओगे या इसको ऐसे घसीट के ले जाओगे? कैसे लेके जाओगे बताओ? मैं इसको पकड़ के ऐसे घसीट के ले जाऊंगा। जो मूर्ख प्राणी होगा ना वो ऐसे ले जाएगा, जो बुड़बक होगा वो ऐसे ले जाएगा, जो समझदार होगा वो ऐसे लेके जाएगा। राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। 54 साल का युवा नेता भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्भाग्यपूर्ण राहुल है। नहीं आपके घर वाले वीडियो देखेंगे तो बुरा लगेगा। आपकी कितनी एज है भाई? मेरी 34। 34। 20 साल बड़ा है आपसे राहुल गांधी, कितना? 20 साल। तो युवा आप हुए, राहुल गांधी हुआ? होना तो मुझे चाहिए, बट लोग उनको कह रहे हैं होना मुझे चाहिए। अंकल जी 6 साल बाद तो केजरीवाल पेंशन देना शुरू कर देगा उसको 60 साल वाली, सीनियर सिटीजन पेंशन। इधर आ जाओ भाई साहब, आप भी सबसे पूछा जाएगा, इधर आ जाओ। डर काहे रहे हो तुम्हें कुछ? अब मुझे एक बात बताओ, कभी तो वो मिस्त्री बन जाता है, कभी वो मिस्त्री बन जाता है, मिस्त्री का मजाक नहीं बनाया जा रहा भाई साहब। आपको लग रहा है कभी उसने किसी का इंडिकेटर भी खोला हुआ गाड़ी का? है भाई साहब। अरे राहुल गांधी तूने प्लास उठा लिया, पेचकस उठा लिया, पाना उठा लिया, कल पता कीर्ति नगर में क्या कर रहा है? कील से थोड़ी को ठोक रहा है। कील से? हमने ये तो सुना था कि प्याज में चाकू चले या चक्कू में प्याज चले, कटना किसको है? मगर कील से भी हथौड़ी को ठोका जाता है कभी? हथौड़ी भी कह रही है कि भाई साहब मुझे मिस्त्री के हाथ में दे दो, कारीगरी काम कर लेगा। भाई साहब जो व्यक्ति ट्रक में चढ़ रहा है 40 डिग्री 50 डिग्री तापमान में, जब हमारे ड्राइवर भाई सेवा करते हैं ना, फल लाते हैं, धान लाते हैं, गेहूं लाते हैं, दवाइयां लाते हैं, आधा घंटा बैठा, भाई साहब उस इंजन में बैठ सकते हो आप? है कभी तो ये जाके मिस्त्री के धोरे बैठ जाए, कभी तो ये जाकर वहां बैठ जाए, क्या नाम है आपका वो, ये बड़ियों के पास, कभी ये कुली बन जाए। भाई साहब थोड़े दिन रुक जाओ, इसको मैं लैट्रिन साफ करता हुआ दिखा दूंगा लोगों के घर की। और अभी तो मोदी है, अभी तो मोदी है, तो ये सब कुछ बन रहा है। जिस दिन योगी प्रधानमंत्री बन गया देश का, क्या उस दिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर इसके घर में सुंदरकांड का पाठ ना करा दिया इसने, कांग्रेस मुख्यालय में सुंदरकांड का पाठ हुआ करेगा भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सोनिया गांधी खुद कहेगी राम राम जय राजा राम, राम राम जय, क्योंकि उन लोगों के इटली वाले हैं ना, उनके मुंह से राम ऐसे निकलता है क्या? रोम रोम, जैसे हमारे रोम रोम में राम है, क्या रोम रोम में राम है। कल परसों शाहरुख खान, शाहरुख खान कौन बोले तो? भाई साहब सुनो, एक नाथ शिंदे के घर में बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लोग पूछ रहे एक नाथ शिंदे ने क्या किया है, क्या पूछ रहे? क्या किया? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे ने ऐसा काम किया है कि पूरी बॉलीवुड आके पता क्या कह रहा है, शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम। भाई सलमान खान, सलमान खान बजा रहा है, आमिर खान बजा रहा है, और शाहरुख खान ओम नमः ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का गमछा पहन के घूम रहा है शाहरुख खान। तो भाई साहब अब तो मुझे लग रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र जब बनना होगा बन जाए, मगर हिंदू संस्कृति की ओर अग्रसर हो चुका है भाई साहब। अगर बॉलीवुड में भूमि पूजन के टाइम पे आमिर खान
लोटा लेकर गंगा जल रखकर हवन करा रहा है और कह रहा है ओम भट स्वाहा। कौन कह रहा है? आमिर खान। कौन? आमिर खान। देवबंद के मौलाना को बोलो ना, करो ना फतवा जारी। क्या? देवबंद के मौलाना को बोलो। मुजफ्फरनगर में हमारी बहन फरमानी नाज ने जब गाया हरे हरे शंभू शंभू, उस पे फतवा जारी हो गया भाई साहब। हाँ, सही है भाई। मगर सलमान खान कह रहा है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को हुआ। और शाहरुख खान भी कह रहा है जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ताले बजाओ भाई। बॉलीवुड किस ट्रेंड में चल रहा है? बॉलीवुड किस ट्रेंड में चल रहा है? बॉलीवुड सनातन की ओर आ रहा है। जो कहते थे कि राम का सबूत दो, जो कहते थे राम कल्पना है, वो कह रहे हैं राम तुम्हारा नहीं है, राम हमारा भी है। अब राम सबका है। अब राम योगी को आने दो, क्या सबका राम हो जाएगा। 140 करोड़ लोगों में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू होने के बाद अपने आप को हिंदू बोलने पर ना अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या? वो दोगले हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब। मगर जो बंदा तिरंगे के ऊपर भगवे को पसंद नहीं करता ना, उसको देश से बाहर निकाल दो। बढ़िया, ताले बजाओ भाई। क्योंकि तिरंगे में सबसे सर्वप्रथम कलर तिरंगे का दिया है। ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में आप एक कहावत थी, एक व्यापारी गधे पे सामान डाल के ले जा रहा, वो थक गया गधा, तो व्यापारी से बोला कि भैया ये जो बोरा है, ये बोरा बहुत देर से गधा लेके चल रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए आप पकड़ लो। क्या? तो उस व्यापारी ने क्या बोला, हाँ यार आपने बहुत सही बोला है। उस व्यापारी ने पता क्या करा है, वो गधे का बोझा अपने सर पे रखा और वो गधे के ऊपर बैठ गया जो पैदल चल रहा था। नहीं समझे? मतलब उसने उसका बोझा और बढ़ा दिया। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके आगे अच्छा विपक्ष खड़ा करो, एक अच्छा ऐसा युवा खड़ा करो कि लगे कि दो लोगों की टक्कर है। राहुल गांधी से कहां टक्कर हो रही है? सोनिया गांधी हर साल प्रयोग करती है, उस प्रयोग में वो सफल नहीं होता है। मजाक बनाया हुआ है। कभी ये मुस्लिमों को आगे ले आते हैं, कभी ये सिखों को आगे ले आते हैं, कभी ये भाई साहब क्या कहते हैं क्रिश्चियनों को आगे ले आते हैं, और कभी ये हिंदुओं को अपमानित करते हैं। देश मांगता है काम। देश कर रहा है G20, देश कर रहा है बुलेट ट्रेन की बातें, और देश में हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज का सफर कर रहा है। क्या? यहाँ से अमृतसर और जम्मू का किराया काइंड योर इन्फॉर्मेशन 2200 रुपए है। कितना? 2200 रुपए। और आज से 10 साल पहले, मैं ये नहीं कह रहा मोदी ने नहीं करा, मोदी हमारे टैक्स के पैसों से वो पैसा कम करवाया, आज से 10 साल पहले 10,000 से नीचे कोई ढंग की टिकट नहीं थी। क्या बात कर रहे हो, 2200 रुपए? 2200 रुपए की तो लोग यहाँ पर दारू पी के रात को सीपी में उड़ा देते हैं, थूक देते हैं। आज की डेट में हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज के मजे ले सकता है। और इस देश में जिस जिस व्यक्ति ने देश हित के लिए काम करा है, समाज के लिए काम करा है, नंगे पैर एक लेडीज आई छत्तीसगढ़ में, 70 बकरियां बेची भाई साहब उसने, और माताओं और बहनों के लिए। क्या किसी और की माता बहन आपकी माता बहन नहीं है भाई साहब? क्या किसी और की माता बहन भाई साहब आपकी माता बहन नहीं है? अगर उसने शौचालय बनाया अपने गांव में, 70 बकरियां बेच के 4 शौचालय बनाया, तो नरेंद्र मोदी के संज्ञान में जैसी डॉक्टर रमन सिंह ने लाया छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने उसको इसमें राष्ट्रपति भवन में बुला के पद्मश्री दिया भाई साहब, उस बूढ़ी औरत को, 70 साल की बूढ़ी अम्मा को। वही साड़ी पहनकर आई वो, और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे, कह रही है मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। मोदी जी ने कहा कि हाँ अम्मा आपने इतना बड़ा काम करा है, जिस देश में बिजली नहीं थी उस देश में मैंने बिजली ला के दिए तुम्हारे टैक्स के पैसों से, और वहां तुमने शौचालय बनाया, तो मैं उस गांव का भी विकास करूंगा। क्या? ये देश में काम करने के लिए आओ। ये कभी ट्रॉली उठा के घूम रहा है, कभी पाना पेचकस लेके चल रहा है, कभी ये कुछ कर रहा है, इसमें टायर लगा हुआ है भाई, क्यों देश का मजाक बना रहे हो? और वो तुम्हारे जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं गौर से देखो राहुल गांधी ने ट्रॉली अपने सर पे ले ली, भाई कितनी बड़ी न्यूज है यार बताना, ये कोई न्यूज है भाई साहब? और जब तुम न्यूज करोगे मजाक बनाओगे, तो हम जैसे लोग राहुल गांधी का मजाक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें टायर होता है। ये टायर काहे के लिए लगाया, देखना ये भाई साहब, ये टायर लगा हुआ, इसको कोई धक्का मार के ले जाएगा सर पे रख के ले जाएगा बताना, है? वो भाई भी हंस रहा है, देखो तिरंगा जंगल लगाया यार, जोरदार ताली बजाओ, तिरंगा लगा के घूम रहा है यार भाई भी हमारा। अगर हमारे देश के नागरिक इज्जत से लगा रहे हैं, जय जय जय। आप मुझे एक बात बताओ ना, तो देश चलता है संविधान से, देश चलता है पढ़ाई लिखाई से, मगर देश चलता है दिमाग से भी। पढ़ाई लिखाई के साथ दिमाग भी चाहिए। इस देश में कांग्रेस 54 साल का युवा नेता बोलती है, क्या? मगर माँ के लिए ना बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है,
100 साल की माँ हो और बेटा 80 साल का भी हो ना, अगर 70 साल का, तो माँ के लिए तो वो बच्चा ही है, मगर भाई पब्लिक के लिए तो नहीं है ना वो। ठीक है सोनिया गांधी के लिए वो बच्चा है, मगर भाई साहब आपके लिए बच्चा है वो? नहीं, नहीं, आपके लिए बच्चा है। 54 साल का बच्चा है। तो भैया मैं जा रहा हूँ आनंद विहार। कहाँ? आनंद विहार। चलो भाई आनंद विहार चलते हैं, चलो। अरे भैया जय श्री राम, जय हिंद। सुनो राहुल गांधी, ए राहुल गांधी, मैं, मेरे को पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि सही चीज का इस्तेमाल सही जगह किया जाता है, तो ये ट्रॉली को घसीट के लेके जाऊंगा। क्या सर पे रख के दिखाओ, हट राहुल गांधी। चलो भाई आनंद विहार।